चलो यारो स्टार्ट करते हैं। रेसिडेंशियल स्टेटस, इतना दिन तक हम लोग रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट बोलते थे। अब पता चल गया कोई भी इंडिविजुअल का इंडिया में तीन में से कोई एक स्टेटस होगा। होगा ना बेटा, क्या क्या था? तीन में से कोई, तीनों नाम रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नेक्स्ट क्या रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और तीसरा नॉन रेसिडेंट। अब कोई रेसिडेंट कैसे बनेगा ये डिसाइड करना सीखेंगे। 6.1 में ये बताया गया है कि दो में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे तो रेसिडेंट बन जाएंगे। तो क्या था बेटा, 180 डेज प्रीवियस ईयर या 60 डेज प्रीवियस ईयर प्लस 365 डेज इन 4 PPY। वेरी गुड। दोनों में से किसी को भी सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो आप क्या बन जाओगे? नॉन रेसिडेंट। वंस यू हैव बिकम रेसिडेंट, 6.6 में बताया गया, अगर दो कंडीशंस बताया जा रहा है, दोनों के दोनों को सेटिस्फाई कर लिए तो आप बन जाएंगे इंडिया के ROR, अदरवाइज RNOR। दोनों के दोनों कंडीशंस क्या क्या है बेटा? 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में, 730 डेज इंडिया में कोई है अगर, और 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में 2 times क्या बनना है? रेसिडेंट। और रेसिडेंट कैसे बन सकते हैं? 6.1 का anyone, 182 डेज प्रीवियस ईयर या 60 डेज प्रीवियस ईयर प्लस 365 डेज इन 4 PPY, तो आप बन गए ROR। दोनों को सेटिस्फाई नहीं किया, 6.6 का दोनों को ही सेटिस्फाई नहीं किया, या एक को किया एक को नहीं किया, तो आप बन जाओगे RNOR। डन बेटा, डन बेटा। चलो अब अपने कुछ होमवर्क दिए थे क्या? होमवर्क डिस्कस करके टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। इधर भाई टैक्स लॉ समझ में आ रहा है ना सबको? दिस साइड एवरीबॉडी, ऑल सिस्टर्स, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ऑल सिस्टर्स, टैक्स लॉ समझ में आ रहा है? तो आगे लेट्स स्टार्ट। बेटा आकाश बोल रहा है कि बेटा को क्या करो, बेटा को घेवर खिलाओ, स्ट्रांग बनाओ। हाँ स्ट्रांग बनता है। बोलो भाई क्या होमवर्क था? पी पी 9 डन हो गया था क्या? क्या क्या आंसर आया है बाजार में? आर ओ आर, गुड़िया ग्रुप ROR, भाई लोग ROR। आइए पढ़ लेते हैं बेटा। डॉक्टर एल बनर्जी ऑफ इंडियन ऑरिजिन लेफ्ट इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 1/5/2018, केम बैक टू परमानेंटली 6/7/15 से विजिटेड एवरी स्टेट फॉर 88 डेज इन ईच फाइनेंशियल ईयर, 1819 पे 178 और 1920 पे क्या है बेटा? ये ओके 178 डेज 2021 पे थे। डिस्कस रेसिडेंशियल स्टेटस, गलती नहीं कीजिएगा बेटा, प्रीवियस ईयर वीडियो वाले लोग को आंसर भी मिलाना है। 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022, प्रीवियस ईयर में कितना दिन इंडिया में थे? 2021 पे 178 डेज है, हमारा प्रीवियस ईयर तो 2021-22 है। बोलो बेटा कितना दिन है? देखो देखो आयुष का देखो बेटा, कैलकुलेट नहीं किया, क्या लिखा है? फिर भी बोल रही है 269 लिखा है।
बेटा 2021 पे फर्स्ट 6 जुलाई को आया ना, 6 जुलाई 21 से, और 6 जुलाई को परमानेंटली आ गया, तो 6 जुलाई 21 से 31 मार्च 22 तक तो इंडिया में ही था। अरे ही केम परमानेंटली ऑन 6 जुलाई 21, ठीक कर लो बेटा, 6 जुलाई 21 को परमानेंटली इंडिया पे आ गया, और 31 मार्च तक बोलो तो बेटा गलती कर दिया बेटी, जुलाई में 26 डेज, अगस्त में 31 डेज, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31, 31, 28, मार्च 31, 269 डेज है। और हर्षिता का आया है, तो हर्षिता ने ठप्पा क्या चीज का लगा दिया, रेसिडेंट का। जो गलती किया सुधार लो बेटा। दिस साइड ऑल ब्रदर्स ओके, टू 69 डेज डन। बेटी आगे बढ़ाओ, उसके बाद 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में वो चेक करना था, है ना बेटा। 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर का नाम बताएंगे, 19, 20, 18, 19, जल्दी बोलो बेटा, 16, 17, 2021। अब इतने 10 साल में आपको चेक करना है, 700 डेज, 7 साल में देखो तो बेटा 2021 में कितना दिन था, 178 डेज, 19-20 में लिखा है बेटा 88 डेज, 88 डेज, वो होलसेल में है क्या, पूरा होलसेल में। तो बेटा इज सेटिस्फाइंग बोथ द कंडीशंस ऑफ 6-6, दैट इज ही वाज प्रेजेंट इन इंडिया फॉर 700 और मोर डेज इन 7 PPY एंड वाज रेसिडेंट फॉर 2 और मोर प्रीवियस ईयर आउट ऑफ 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। सो आर ओवर, डन बेटा, छोड़े इसको, डन, वेरी गुड, बहुत अच्छा कि आप लोग आगे बढ़ेंगे। 8 के बाद 13, भाई आपने एक क्लास मिस कर दिया था, वो बैकअप वगैरह मिला है क्या, और सॉफ्टवेयर मिल गया था, वो तो भी सॉफ्टवेयर मिलेगा उसके बाद ही चलेगा, वीडियो सॉफ्टवेयर में चलता है, हाँ तो वो सॉफ्टवेयर में चलेगा, आज ले लीजिएगा। 13, मिस्टर बी अ कैनेडियन सिटीजन कम्स टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम 17, 18, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 21, 21, इतना 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 देश। बेटा इन्होंने जो आंसर लिखा वो राइट है क्या, या नॉन रेसिडेंट, छोड़े इसको, नेक्स्ट। यस बेटा,
इक्कीस साल 10/10/21 को आया, राइट है क्या आंसर? यस 173 आएगा ना, ये सब डेट सही लिखा है, अक्टूबर 22 डेज सही है क्या बेटा? 30, 31 सब राइट है, 173 डेज, बाकी सब सही है बेटा। ओके तो होलसेल में सेटिस्फाई कर रहा है ना। छोड़े इसको भी, नेक्स्ट। चलो मामला आगे बढ़ाते हैं हम लोग, कोई डिस्कशन लास्ट क्लास से, कोई डाउट किसी को है तो पूछ लीजिए, लास्ट क्लास से कोई डाउट है तो पूछ लेना बेटा। ये देखना बेटा, रेसिडेंट, रेसिडेंट का दो कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन था बेटा 182 डेज कोई भी इंडिया में रह गया तो रेसिडेंट है। सेकंड कंडीशन ना बहुत डेंजर है आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए सेकंड कंडीशन वेरी वेरी डेंजर, 60 डेज प्रीवियस ईयर में प्लस 365 डेज 4PPY में, है ना बेटा? कंडीशन क्या था बेटा? सेकंड कंडीशन 60 डेज प्रीवियस ईयर प्लस 365 डेज 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, वेरी डेंजर कंडीशन। इसमें हम लोग फंस सकते हैं, आप लोग अपने ऊपर ले लीजिए। आप लोग पढ़ने के बाद जॉब मिला, आप जॉब करने यूएसए में चले गए, वहां पे जॉब है आपका, इंडिया में घूमने आते रहोगे बेटा? बोलो इंडिया में घूमने आएंगे कि नहीं आएंगे बेटा? फुल फैमिली आपका इंडिया पे, तो घूमने आएंगे तो इंडिया में किसी भी साल 60 डेज पार हो सकते हैं आप लोग, 2 महीने ही तो है ना, 60 डेज क्रॉस कर सकते हैं, और हमेशा ही आते जाते रहते इंडिया पे, तो पहले का भी कुछ इयर्स जोड़ के 365 डेज हो जाएंगे। जैसे ये कंडीशन हिट करेंगे आप लोग, तो आप लोग इंडिया के रेसिडेंट कहलाओगे, एंड वंस यू बिकम रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 2-3 क्लास के बाद देखेंगे इंसिडेंस पे, इस संसार में कहीं भी इनकम जनरेट करोगे दैट इज टैक्सेबल इन इंडिया, और उस देश में भी टैक्स लगेगा जहां कमाई कर रहे हो, अगर भारत सरकार के साथ उनका ट्रीटी नहीं है तो दो जगह टैक्स देना पड़ेगा। और इंडिया में तो बहुत बुरा हाल होगा, इंडिया में आप घूमने आए हो, परिवार रिश्तेदारों से मिलने आए हो, कुछ टाइम स्पेंड करने आए, उस पे फॉरेन का सारा कमाई पे टैक्स लगेगा, तो आप इंडिया आओगे नहीं आओगे? देखो फर्स्ट ही व्यू बता रहे नहीं आएंगे, छोड़ ही देंगे हमेशा के लिए, पैसा से प्यार है तभी तो इंडिया छोड़ के गया ना। यस, नींद से निकलो आगे। तो कोई इंडियन सिटीजन जो इस साल इंडिया से बाहर नौकरी के लिए जा रहा है, इंडियन सिटीजन आप लोग इस साल इंडिया से बाहर एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए जा रहे हो, नौकरी करने या दुकान खोलने जा रहे हो, तो इंडिया में रह गए आप लोग 70-80 डेज, उसके बाद आपको नौकरी मिला, आप इंडिया से बाहर जा रहे हो, तो पहले 4 साल में तो होलसेल में थे, और इस साल 100 डेज इंडिया पे रहे, नौकरी मिल गया, यूएसए में चले गए, तो यू विल बी रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस साल के लिए। जो भी नोट छापोगे विदेश में सारा का सारा टैक्सेबल हो जाएगा इंडिया में, वंस यू बिकम रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यहां पे इनकम टैक्स ने एक्सेप्शन दिया है, कहा है कि भाई 60 डेज वाला
भारतीय नागरिकों के लिए खतरा है, खतरा डेंजर है, यह भारतीय नागरिकों को भारत से काट देगा, दूर कर देगा। इसलिए 60 और 365 डेज वाला कंडीशन नहीं लगेगा। अगर आकाश इंडियन सिटीजन नौकरी के लिए बाहर जा रहा है, तो व्यापार करने के लिए बाहर जा रहा है, तो रोजगार करने के लिए बाहर जा रहा है, तो यह क्रू ऑफ इंडियन शिप, क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप होते ना, उसके क्रू मेंबर बनके या रोजगार के सिलसिले में बाहर जा रहा है, तो 60 डेज वाला चक्कर नहीं लगेगा, नहीं लगेगा आकाश के लिए, यह कंडीशन नहीं लगेगा। तो आप लोग तभी रेसिडेंट होंगे अगर 182 डेज ही है, तो बिंदास 181 डेज इंडिया में रहिए और जाइए विदेश में नोट छापने के लिए। इंडिया में यू विल बी नॉन रेसिडेंट। क्या बेटा, ये एक फेवर है भारत माता का, गवर्नमेंट का, टैक्स डिपार्टमेंट का, आप लोगों के लिए। आपको थैंक यू बोलना चाहिए जिसका ड्रीम है बाहर जाने का। अरे थैंक यू बोलो, मेरे को नहीं। यानी आप लोग फॉरेन जाना चाह रहे हैं, आप लोग इंडिया में रहोगे, ठीक है। दिस सेक्शन इज फॉर यू ऑल। क्या था बेटा, इंडियन सिटीजन, क्या बेटा, हु लीव्स इंडिया, इंडिया छोड़ के जा रहा है फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर एम्प्लॉयमेंट के सिलसिले में, या क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, जो इंडियन शिप के क्रू मेंबर होते हैं उनके लिए भी ये सेक्शन नहीं लगेगा। सेकेंड पॉइंट, नहीं लगेगा। यानी आप लोग कब रेसिडेंट होंगे, 182 डेज, 181 डेज तक भी रह जाएंगे, यू आर नॉन रेसिडेंट। दो एक्सेप्शन है, फर्स्ट है इंडियन सिटीजन लीव्स इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया और एज अ मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप, ये फर्स्ट है। इंडियन सिटीजन, सिटीजन ऑफ इंडिया एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया और क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, इस केस में ये 60 डेज वाला नहीं लगेगा। यानी आप लोग इंडिया छोड़ के इस साल 21-22 में जापान जा रहे हो नौकरी करने, जापान जा रहे हो दुकान खोलने, जापान जा रहे हो कंसल्टेंसी ऑफिस खोलने, एनी सॉर्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आपके लिए 60 डेज नहीं देखेंगे। आप विदेश जा रहे हो नोट छापने के लिए, हम आपको 182 डेज वाला ही कंडीशन लगाएंगे। छाप बेटा छाप, जितना छापना है छाप, और इंडिया में भर भर के रहा, आप नॉन रेसिडेंट कहलाओगे टैक्स पर्पस के लिए, और आपको बाहर का कोई भी इनकम पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ये अच्छा पॉइंट है। ये सिटीजन ऑफ इंडिया, व्हाट इज सिटीजन ऑफ इंडिया, जिसको भी भारत ने सिटीजनशिप दे दिया है वो कोई भी हो सकता है, जिंगपिंग भी हो सकता है, आकाश भी हो सकता है सिटीजन ऑफ इंडिया। ये तो आपने आपने 21-22 में इंडिया छोड़ के गया एम्प्लॉयमेंट पर्पस आउटसाइड इंडिया, 21-22 में यू लेफ्ट इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, तो 21-22 में आपका 60 डेज वाला क्राइटेरिया नहीं देखना है। दूसरा, आकाश अगर विदेश में जाके बस गया, सेटल्ड हो गया, आकाश के चाचा जी सेटल्ड हो गए, आकाश के मामा जी सेटल्ड हो गए, आकाश के बड़े भैया सेटल्ड हो गए, वो लोग घूमने भी तो आते हैं ना इंडिया में। आप लोग तो 21-22 में गए, 10-15 साल बाद कभी तो घूमने आओगे, सिटीजनशिप दूसरे देश का ले सकते हैं, कोई बात नहीं, बट हो तो भारतीय। तो बेटा सिटीजन ऑफ इंडिया और पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, सिटीजन ऑफ इंडिया या पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन कम्स टू इंडिया ऑन विजिट, कम्स ऑन विजिट टू इंडिया, यानी आकाश के मामा जी 20 साल पहले चले गए जापान में, सिटीजनशिप भी ले लिया उनका, बट ही इज अ पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, वो इंडिया में घूमने आएंगे कि नहीं आएंगे, पक्का। यहां भी जितने बच्चे बैठे हैं, कोई ना कोई आप लोगों के रिलेशन पे फॉरेन में सेटल्ड होगा, किसके घर का है,
पक्का होगा, हर एक साल होता है। यस, कौन है भैया? इनके भाई कहां पे? अमेरिका, अभी वही जाना है। भारती के भैया इंडियन सिटीजन, पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, सेटल्ड इन यूएसए, घूमने आएंगे ना नहीं आएंगे कभी? पूछते हैं भारती से, उसका इतना बड़ा लिस्ट जाएगा। घूमने आ सकते हैं कि नहीं? आप सेटल्ड है भैया, कब गए? 10 साल पहले भारती के भैया अमेरिका चले गए, और आज इस साल घूमने आ रहे, आएंगे कि नहीं आएंगे? भारती तो 15-20 दिन रखेगी, बोले कि भैया ब्रेकफास्ट बनाओ, ट्यूशन जा रहे, शाम को हम लोग मस्ती करेंगे, घूमने जाएंगे। ऐसे कितने जगह रखते रखते वो 60 डेज पार हो जाएगा। और अमेरिका से आया मेरा भाई, मेरा रिलेटिव, खातिरदारी तो बोले और क्या बोले, ऐसे ऐसे दूर दूर से भी रिलेटिव आ जाएंगे, आप सोच नहीं सकते। उस भैया को कभी किसी ने चाय नहीं पिलाया होगा पहले, दूध नहीं पिलाया होगा, लेकिन अमेरिका से आएगा तो 4 टाइम का खाना तो खाना ही पड़ेगा 2 दिन। ऐसे करते करते भैया तो धुल जाएंगे 60 डेज के चक्कर में। तो भारती के भैया इंडियन सिटीजन, पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, कम्स टू इंडिया ऑन विजिट, इंडिया में घूमने आ रहे, गए नहीं सर, कम्स टू इंडिया ऑन विजिट, उनके लिए भी 60 डेज का चक्कर नहीं देखना। आराम से भैया को बुलाइए और पूरा का पूरा 181 डेज इंडिया में रखिए, तो आपके भैया इनकम टैक्स पर्पस में नॉन रेसिडेंट है क्या है? एंड भैया टेंशन मत लो भैया, आप विदेश में जो कमा रहे वो टैक्स ना लगेगा। भैया बोले जाए जाए जाए, रेसिडेंट बन जाके बोल नहीं सकते ना बहना को, अंदर तो फीलिंग्स हमें पता है इनका भैया का, तो ये भी टैक्स पढ़ नहीं है भैया, डोंट वरी, 181 डेज आरजी ने कहा है, लॉ में लिखा है। तो भैया बोले हाँ जानती है सिस्टर टैक्स, हाँ पढ़ रहे तो जानती है। तो 181 डेज योर भैया कैन स्टे इन इंडिया विदाउट बिकमिंग रेसिडेंट। अगर ये सेक्शन ना होता, हिम्मत है इसके रख लेती 60 डेज, भाई बहन के प्यार में टकरार दरार पैदा हो जाता। अभी मम्मी बेटा बेटी का तो रिश्ता ही नहीं बोला, अभी तो भाई बहन में ही है। फीलिंग्स देखो, आंखों में आंसू मत लाना, इनकम टैक्स कैसे आपके आंखों में आंसू वाले देगा? एक भाई बहन का प्यार में क्यों दरार डालेगा 60 डेज? नहीं लगेगा। बहुत अच्छा पॉइंट है, इसमें 2 अमेंडमेंट आ गया, कभी कभी 120 डेज भी होता है, और कभी कभी भारत में 1 दिन भी नहीं रहता है, भारत में 1 दिन भी नहीं रहता है तो भी रेसिडेंट बन जाता है, वो कल डील करेंगे, कल इंडिविजुअल खत्म करेंगे। आज 2 टॉपिक पढ़ाना था, फर्स्ट टॉपिक फीलिंग्स आ रहा है क्या? टैक्स विद फीलिंग्स भाई, टैक्स विद फीलिंग्स, टैक्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलता नहीं है, आपको हर एक पॉइंट ध्यान रखना है कहां कैसे फिट करेंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है, वो ऐसा वाला नहीं है कॉस्टिंग अकाउंट्स। डन बेटा, आगे तो ये हो गया, तो ये नहीं लगेगा 60 डेज वाला कंडीशन नहीं लगेगा, 2 सिचुएशन पे नहीं लगेगा। क्या क्या सिचुएशन है? इंडियन सिटीजन लीव्स इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया और क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, इसमें 60 डेज नहीं लगेगा, तो क्या लगेगा भाई? 182 डेज, ये बेनिफिट है। दूसरा, भारती के भैया कम्स टू इंडिया ऑन विजिट, तो भी नहीं लगेगा 60 डेज नहीं लगेगा। अभी भैया को ब्रेक में मैसेज करना व्हाट्सएप, भैया आप आधा साल रहेंगे हम लोग, पूरा इंडिया घूमेंगे, आप घुमाना और खूब शॉपिंग करना, अमेरिका में बहुत कमा रहे हो आप, और आपको टेंशन नहीं, हम रेसिडेंट बनने नहीं देंगे भैया। ओके, दैट्स इट, समझ में आ गया? डन बेटा, बातें और करनी है, लेकिन ये फर्स्ट पॉइंट आज का क्लास का। तो 60 डेज तो आपके लिए खतरे की घंटी है ना, बच गए आप लोग,
एक्सेप्शन टू सेकेंड कंडीशन, एक्सेप्शन टू सेकेंड कंडीशन, जहां पे कहीं भी ऊपर ये लिखे थे 60 डेज पहले बुक में, पहले कॉपी में कर लेते बेटा, पहले कॉपी जहां पे 60+365 डेज कहीं लिखे थे क्या ऊपर, है ना बेटा? पॉसिबल है तो वहां लिख लेना, नहीं तो कहीं भी लिख लेना। नॉट एप्लीकेबल 60+365 डेज, नॉट एप्लीकेबल सिटीजन ऑफ इंडिया लीव्स इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, जो लिख सकता है जगह है लिख लीजिए। सारा प्रोविजंस हम लोग पहले कॉपी में लिखेंगे, समझेंगे, फिर बुक से आएंगे, फिर सम सोल्व करेंगे। टेक्स सब्जेक्ट ही ऐसा है, बार बार लिखेंगे, पढ़ेंगे, याद रहेगा। नॉट एप्लीकेबल कब कब नॉट एप्लीकेबल, सिटीजन ऑफ इंडिया लिव्स इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड ऑब्लिक क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, और एक है बेटा सिटीजन ऑफ इंडिया या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन COI ऑब्लिक POI कम्स टू इंडिया ऑन विजिट, COI ऑब्लिक POI कम्स टू इंडिया ऑन विजिट, COI ऑब्लिक POI कम्स टू इंडिया ऑन विजिट, COI ऑब्लिक POI कम्स टू इंडिया ऑन विजिट। आइए बेटा ये देखेंगे P2, ये पॉइंट टू देखेंगे बेटा, पॉइंट टू का एक्सेप्शन, एक्सेप्शन टू सेकेंड कंडीशन बचा दिया, किसको बचा दिया? इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को बचा दिया। कैसे बचाएंगे देखेंगे। द पॉइंट ए, द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ इंडिविजुअल विल बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट ओनली इफ पीरियड ऑफ देयर स्टे ड्यूरिंग रेलेवेंट प्रीवियस ईयर इज 182 डेज, दैट इज 60+365 डेज नॉट एप्लीकेबल, दैट इज 60+365 डेज नॉट एप्लीकेबल, दैट इज 60+365 डेज नॉट एप्लीकेबल। देन बचा ही दिया। देखो दिशा के चेहरे पे फर्स्ट टाइम सुबह सुबह खुशी आया, और दिन तो नींद आता है, आज खुशी आ रहा है और स्माइल भी दे रही है, क्लोजअप स्माइल दे रही है। ओके, खुश तो होंगे ही। रीजन है कि हम लोग अगर विदेश जाएंगे, फिर इंडिया में कभी आएंगे तो हम नॉन रेसिडेंट ही कहलाएंगे, तो विदेश का इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा। तो ये दो सिचुएशन पे 60 और 365 डेज नहीं देखेंगे। पढ़ो, इंडियन सिटीजन हु लीव इंडिया इन प्रीवियस ईयर 21-22 में इंडिया छोड़ के गया एज अ मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप और फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप, इस शिप पे जो इंडियन शिप पे काम करते उसका सिस्टम भी थोड़ा अलग है, हम लोग पढ़ लेंगे आज। हमारा सेकेंड टॉपिक आज का वो है, क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप को लेकर थोड़ा सा इशू है, क्योंकि हमेशा उन लोग बाहर ही बाहर रहता है, कब इंडिया आएगा पता ही नहीं चलता है। तो बेटा उस पर भी आज हमारा डिस्कशन है। तो क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप और फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, तो व्हाट इज कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, ये डिफाइन किया है, अभी मिलेगा। बट ये तो दो टर्म ध्यान रखना, क्रू मेंबर इंडियन शिप का क्रू मेंबर के लिए 60 डेज वाला कंडीशन नहीं देखेंगे। और आप लोग CA CMA CS बनने के बाद नौकरी लग गया विदेश में और इस साल विदेश जा रहे हो,
इंडिया में रह गए 100 डेज 150 डेज, स्टिल यू आर नॉन रेसिडेंट बिकॉज यू आर लिविंग इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया. एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग बताएंगे. एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग नीचे लिखा है, पढ़ेंगे. बाहर नौकरी के लिए गए, बाहर दुकान खोल दिए, बाहर रोजी रोटी की तलाश में गए, उसको बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट. इंडिया में काम है, बाहर ट्रेनिंग पे गए, उसको एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया नहीं बोलेंगे. अरे इंडिया में नौकरी है, बाहर ट्रेनिंग के लिए गए, आउटसाइड इंडिया नहीं बोलेंगे. अभी मिलेगा, टेंशन नहीं लेना. बस ये दो पॉइंट आज का क्लास का, ये दो पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और एकदम तोता की तरह रट के जाना है. किशन को घर पे याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, थोड़ा रिवाइज मार लेना. तो एक्सेप्शन 60 और 365 नहीं लगेगा. फर्स्ट कंडीशन क्या है? सिटीजन ऑफ इंडिया लीव्स इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया और क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप. सीएमए सिस्टर डन. इनके लिए क्या देखेंगे? इनके लिए क्या देखेंगे? इनके लिए ओनली 180 डेज. तो रेसिडेंट और क्या बन जाएगा? नॉन रेसिडेंट. ये लोग ये दो सिचुएशन पे रेसिडेंट हो गए 182 डेज इंडिया पे है तो, और लेस देन 182 डेज रहेंगे तो नॉन रेसिडेंट. लिख के रख लेना बेटा, बार बार लिखो, एकदम एग्जामिनेशन हॉल तक याद रखना है. दोनों सिचुएशन में रेसिडेंट तब बनेंगे अगर इंडिया में 182 डेज है. लेस देन 182 डेज नॉन रेसिडेंट. 60 डेज नहीं देखना है. डन बेटा एवरीवन. और ये प्रोविजन क्यों बनाया, समझ में आ गया? आप लोग के फेवर के लिए. और दूसरा, ये दूसरा कोई नहीं पढ़ेगा, भारती पढ़ेगी और मैं पढ़ूंगा. इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन बीइंग आउटसाइड इंडिया. भारती के भैया अमेरिका में 10 साल से रह रहे, कम्स ऑन विजिट टू इंडिया, इंडिया में घूमने आए ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर. पक्का होते हैं ऐसा? भारती के रिलेटिव के सिवा और किसी का रिलेटिव इंडिया के बाहर नहीं है? किसका? हाँ ठीक है, अच्छा है. ओ दोनों, मतलब जिसके जिसके आज सेटिंग कर लियो, जिसके जिसके घर वाले लोग फॉरेन पे, वो लोग साथ में बैठेंगे. या मुस्कान आप भी बताओ. हाँ मलेशिया कौन है, क्या करते हैं? इंजीनियर है. इनके भी भैया. अच्छा, हमें दो एड्रेस मिल जाएगा अगर अमेरिका और मलेशिया गया तो. कोविड फ्री वर्ल्ड हुआ तब. तो एग्जाम्पल भारती के भैया, थोड़ा सेटिंग होता है. इनका ही नाम लेके पढ़ाए क्या भारती के? अब तो आपके एग्जाम तक भारती के भैया ही बोलना पड़ेगा. सेकेंड पॉइंट, भारती के भैया अमेरिका में सेटल्ड है. सुन लो, अमेरिका में सेटल्ड है. वो आए हैं इंडिया में घूमने के लिए, तो उनके लिए 60 डेज नहीं देखेंगे. डन बेटा. और फर्स्ट वाला किसके लिए? फर्स्ट वाला तो आप लोग इस साल इंडिया से जा रहे हैं और बाहर फॉरेन टूर पे नहीं, काम करने के लिए. एम्प्लॉयमेंट. डन बेटा. एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग देखना. बी और सी लास्ट ईयर जो अमेंडमेंट हुआ था वो है, इसे मैं कल डील करूंगा. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख के रख दो बी एंड सी. बेटा दो तीन टर्म मिल गया था उसमें. एक मिला था इंडियन सिटीजन, मिला था ना बेटा? वो सरकार ने जिसको भी सिटीजनशिप दे दिया वो इंडियन सिटीजन है, उसमें कुछ नहीं बोलना है. और दूसरा में दो था, सिटीजन ऑफ इंडिया और पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन. कोई इंडिया का सिटीजन है, अब विदेश में बस गया तो उस देश का सिटीजनशिप मिल सकता है, बट स्टिल ही इज पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, पीओआई. तो पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन को डिफाइन किया गया. थोड़ा नीचे आ जाना बेटा. पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन मिला क्या बेटा? थोड़ा सा नीचे पेज नंबर 28. एक एक टर्म जो टेक्निकल है सब डिफाइन किया जाता है लॉ में. अ पर्सन इज डीम्ड टू बी इंडियन ऑरिजिन इफ ही और आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स और एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स वॉज बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया. मिस्टर आकाश का जन्म इंडिया पे हुआ है,
इज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, आज कहीं भी हो, या पेरेंट्स, आकाश का जन्म ऑस्ट्रेलिया पे हुआ है, बट मम्मी या पापा किसी का जन्म अनडिवाइडेड इंडिया पे हुआ है, अनडिवाइडेड इंडिया का भी थोड़ा सा मीनिंग है छोटा सा, तो आकाश का मम्मी या पापा किसी का जन्म इंडिया पे हुआ है, बट आकाश तो जन्म है ऑस्ट्रेलिया में, तो स्टिल यू आर अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, या हमारा जन्म इंडिया पे हुआ, या हमारे मम्मी पापा या दादा दादी किसी का भी जन्म इंडिया पे हुआ है, तो हम लोग भी क्या बन जाएंगे? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अरे हम लोग का जन्म इंडिया पे हुआ है तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नहीं, हम तो विदेश में जन्मे, मम्मी पापा में से कोई भी इंडिया में नहीं, मम्मी पापा भी विदेश में, दादा दादी तक बताया गया, ग्रैंड पेरेंट्स तक, डन, कोई भी इंडिया में जन्म हुआ है तो फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अनडिवाइडेड इंडिया क्यों लिखा है? भारत आजाद कब हुआ था? 1947 के पहले लाहौर कहां था? अनडिवाइडेड मतलब इंडिया में तो था ना भैया, दादा दादी जी का जन्म तो 1947 के पहले हुआ होगा ना, गलत तो नहीं बोल रहे, सही ना, हम अपने लिए बोल रहे, अरे मेरी दादा दादी का जन्म तो पहले हुआ होगा ना, 19 भारत आजाद होने से पहले, वो तो कराची में भी हुआ होगा, तो अनडिवाइडेड इंडिया हो गया। अनडिवाइडेड इंडिया में यही लिखना है कि वो 1947 के पहले पूरा पाकिस्तान अनडिवाइडेड इंडिया था, डेट बेटा, इंडियन ओरिजिन मतलब या तो हम लोग का जन्म इंडिया में हुआ नहीं हुआ, मम्मी या पापा किसी का जन्म इंडिया में हुआ तो हम लोग भी क्या बन गए? चलो भैया, मम्मी जन्मी अमेरिका में, बाबूजी जन्मे लंदन पे, और हम जन्मे ऑस्ट्रेलिया पे, दादा दादी कहा है? दादा दादी, चलो इंडिया। तो फिर मम्मी पापा भी हो गए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, और हम लोग भी हो जाएंगे इंडियन ओरिजिन, देन बेटा, और यू नो दादा दादी जी का जन्म हुआ है उधर 1930 या 1920 का बात करें, ऐसे ये पता नहीं उस समय जन्म के ऐसे बता रहे, लाहौर में हुआ था, कराची में हुआ था, अब क्या होगा? 1947 के पहले पाकिस्तान भी इंडिया में था, तो यहां पे लिख लेना अनडिवाइडेड इंडिया का यही मीनिंग है, बिफोर 1947 पाकिस्तान अनडिवाइडेड इंडिया था, बिफोर 1947 बेटा, आइए बेटा एक छोटा सा पॉइंट, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। पेज 29 पे आएंगे बेटा। पॉइंट डी तक हो गया था क्या? अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मींस ही और आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स और एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स बॉर्न इन इंडिया, ये तो हो ही गया था अभी। ये देखो, फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट था ना बेटा, 60 डेज, 365 डेज, दो सिचुएशन पे नहीं लगेगा, क्या क्या दो सिचुएशंस है? इंडियन सिटीजन लीव्स इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड, या क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, और COI POI कम्स टू इंडिया ऑन विजिट। फर्स्ट वाला था कि आप लोग एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए इंडिया से बाहर जा रहे हो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वो डिफाइन कर दिया गया। For the purpose of employment means SSC has gone outside of India. Akash has gone outside of India for the purpose of employment outside India. Akash India se bahar gaya for the purpose of employment outside India. Employment outside India means business, job. Likh lo employment ko arrow maar ke, business, job. पब्लिक अर्निंग इनकम,
इफ एन इंडिविजुअल गोज एब्रोड इन रिलेशन टू हिज जॉब इन इंडिया, आकाश का नौकरी है इंडिया में, ट्रेनिंग के लिए उसे जापान भेज दिया गया, ऑफिशियल पर्पस के लिए जापान भेज दिया गया, तो वो एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया नहीं है। आकाश का जॉब इंडिया पे है, दिल्ली पे है, कुछ कॉर्पोरेट मीटिंग के सिलसिले पे मलेशिया गया, अमेरिका गया, बहुत दिन रह गया, तो एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया नहीं है। आकाश का जॉब चेन्नई पे है, वो ऑफिस का हेड ऑफिस है जापान पे, तो ऑफिशियल पर्पस के लिए जापान चला गया, तो वो एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया नहीं है। अगर आकाश का नौकरी जापान पे लगा है, आकाश जापान में दुकान खोलने जा रहा है, आकाश वहाँ पे जापान में जाकर कोई सोर्सेज ऑफ इनकम के सिलसिले पे जा रहा है, तो पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, जो इंडियन सिटीजन लीव्स इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। अगर आप लोग का नौकरी इंडिया पे, आप सबको ट्रेनिंग के लिए आपका हेड ऑफिस है जापान में, प्लेन में भर भर के जापान में भेज दिया गया, आप लोग को ट्रेनिंग दिया जाएगा और बहुत दिन तक रह गए, तो आपको ये एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया के लिए नहीं गए। यू वेंट टू जापान इन रिलेशन टू योर एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया के सिलसिले में जापान जा रहे हो, तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। बेनिफिट कब मिलेगा? 60 डेज वाला कंडीशन नहीं लगने का। आपका जो सोर्सेज ऑफ इनकम, जो कमाई करने का जो एम्प्लॉयमेंट है, वो आउटसाइड इंडिया, एम्प्लॉयमेंट इनसाइड विद इन इंडिया रहेगा। उस सिलसिले में आप फॉरेन जाते रहोगे, हो सकता है ना बेटा, तो वो वाला केस में 60 डेज वाला मतलब वो जो एक्सेप्शन नहीं है, मतलब वहां पे 60 डेज में फंस जाएंगे आप लोग। डन बेटा, डन। तो ये रेसिडेंस स्टेटस का ऑल टाइम फेवरेट टॉपिक होता है, और इस बार और अच्छा फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि वो छोटा सा जो अमेंडमेंट आया है। तो बेटा हम लोग शुरुआती दौर पे कहां तक कर लिए थे? 1, 2, 3, 4 कर लिए थे क्या? यस, बोलो बेटा। 5 से शुरू होगा आज का सिलसिला। मिस्टर एक्स लेफ्ट इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 10th August 2021। मिस्टर एक्स फर्स्ट टाइम इंडिया छोड़ के जा रहा है 10th August 2021 को, फॉर द पर्पस ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट इन USA। अंडरलाइन करना, फॉर द पर्पस ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट इन USA। अब बेटा हम लोग को ये चेक करना है अप्रैल में, अप्रैल से लेकर 1st April 2021 से लेकर 31st March तक वो इंडिया में कितना दिन है, और फिर उसके बाद हम लोग को ये भी देखना पड़ेगा कि सेकेंड कंडीशन नहीं लगेगा, 60 डेज वाला चक्कर लगेगा ना नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। देखो तो बेटा, बोलिए, अप्रैल में कितना दिन? 132 डेज। डन। तो फर्स्ट कंडीशन तो फेल कर दिया उसने, बोलो बेटा। सेकंड कंडीशन तो सेटिस्फाई कर लेगा, लेकिन चाहिए नहीं, क्योंकि इस साल 60 डेज और फॉर द फर्स्ट टाइम गया ना, तो सेकंड कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है, बट यहाँ पे सेकंड कंडीशन तो चेक ही नहीं करना है, तो क्या होगा आंसर बेटा? आंसर क्या हो जाएगा बेटा? नॉन रेसिडेंट। क्लियर है एवरीवन? इसका आंसर लिख लेते, इस टॉपिक का आंसर हम लोगों ने अभी तक नहीं लिखा है। सेम तरीका बेटा लिखने का, ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 21-22, मिस्टर एक्स वॉज प्रेजेंट इन इंडिया
फॉर 132 डेज। ब्रैकेट में कैलकुलेशन दिखा दीजिए। मिस्टर एक्स वाज प्रेजेंट इंडिया फॉर 132 डेज। ब्रैकेट में अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 10। फुल स्टॉप। ही इज नॉट सेटिस्फाइंग फर्स्ट कंडीशन ऑफ 6(1). ही इज नॉट सेटिस्फाइंग फर्स्ट कंडीशन ऑफ 6(1) because he was not present in India for at least 182 days during previous year. Next para. Second condition of 6(1) that is 60 days in previous year. And 365 days in 4 preceding previous year is not applicable. In this case, because Mr. X left India for the purpose of employment outside India. कुछ ज्यादा लिखना नहीं होता है बेटा, ये लिखना होता है कि फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया, सेकंड नहीं चाहिए। अब मेन आंसर दे देंगे। Therefore, resident status of Mr. X. For AY 22-23 is non-resident. Then, non-resident हो गया, तो incidents हम लोग पढ़ेंगे दो तीन क्लासेस के बाद, तो देखेंगे इंडिया के बाहर का कोई भी इनकम पे इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा, तो एक फेवर है। डन, छोड़िए बेटा इसको। ओके, और एक क्वेश्चन है P6। सपोज इन एबो प्रॉब्लम मिस्टर एक्स लेफ्ट इंडिया इन कनेक्शन विथ हिज एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। इंडिया में उनका एम्प्लॉयमेंट है, उस सिलसिले पे गया वो, एंड 31 मार्च तक नहीं आया, यानी वही 132 डेज है, तो 132 डेज है एंड फॉर द फर्स्ट टाइम, तो 60+365 डेज वाला तो सेटिस्फाई कर लिया। समझ में आ रहा है सीएमए सिस्टर्स? अरे वो कहाँ पे गया? इंडिया में नौकरी है उसका। डन बेटा, उस सिलसिले में गया और आया ही नहीं है, तो इस साल तो 132 डेज ही है ना इंडिया में, तो 132 डेज है, तो 60 डेज तो हो ही गया। बोलो बेटा। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम गया था, तो 4PPY में होलसेल में है, तो क्या बन गया? इंडिया का रेसिडेंट, और फॉर द फर्स्ट टाइम गया, आरओआर बन जाएगा ना। सो लिखेंगे बेटा फिर से आंसर P6। सेम वही, फर्स्ट ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर मिस्टर एक्स वाज प्रेजेंट इन इंडिया
फॉर 132 डेज, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 10, सेंटेंस को सुन लेना ठीक से। ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 21-22 मिस्टर एक्स वॉज प्रेजेंट इंडिया फॉर 132 डेज, वो ब्रैकेट में कुछ डाल दिया, एंड इन फोर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर एंड इन फोर PPY ही वॉज प्रेजेंट इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 365 डेज और मोर। 365 से तो बहुत ही है ना, बिकॉज ही लेफ्ट इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 10th August 21। फुल स्टॉप। ही सेटिस्फाइंग सेकेंड कंडीशन ऑफ 6(1) कर रहे हैं ना बेटा, ही सेटिस्फाइंग सेकेंड कंडीशन ऑफ 6(1) फुल स्टॉप। सेकेंड कंडीशन ऑफ 6(1) इज ऑल्सो एप्लीकेबल इन दिस केस बिकॉज second condition of 6(1) is also applicable in this case because he left India in connection with his employment in India. He left India in connection with his employment in India. He left India in connection with his employment in India. इसलिए लग रहा है, ठीक है ना? So he is resident in India for previous year या assessment year कुछ भी लिख लो। So he is resident in India for assessment year 22-23. ठीक है, resident तो बन गया। फिर से लिखेंगे सेकेंड पैरा, सिंस मिस्टर एक्स लेफ्ट इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 10th August 21, सिंस मिस्टर एक्स लेफ्ट इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 10th August 21, he was present in India for at least 730 days or more in 7 PPY and was resident in India for at least 2 and was resident in India for at least 2 out of 10 PPY. Finance likh lo, therefore Mr. X is ROR for assessment year 22-23. चलो बेटा, बहुत लिखना पड़ता है, CBC चैप्टर में लिखना पड़ता है और सब में नहीं।
तो लिखने का स्किल भी चाहिए, याद नहीं करना, उसने मैं लिखाते रहो तो थोड़ा थोड़ा आदत पड़ जाए। चलो बेटा लॉ लिख रहे हो इसलिए ध्यान देना। नेक्स्ट क्या था बेटा, हम लोग कौन सा संस्कार लिए अभी? पी सिक्स सेवन डन है बेटा, 8 9 बेटा, पी टेन का आंसर सोचिए आप लोग, P10 का आंसर सोचिए आप लोग। अमित भाई बैकअप वगैरह देख लिया है? ओके P10 क्या आंसर निकला है भाई लोग? मिस्टर राहुल ऑफ असम वेंट टू फ्रांस फॉर एम्प्लॉयमेंट 15 अगस्त को एंड केम बैक टू इंडिया ऑन 10/11/22। He has never been outside of India, determined resident status. बेटा प्रीवियस ईयर में तो 1 अप्रैल से लेकर 15 अगस्त तक था ना, 137 जो सब अभी सोल्व किए थे वही है। तो क्या होगा बेटा, वो सेम एक्सप्लेनेशन होगा, लिखाऊंगा नहीं अब। डन बेटा, विल आंसर भी डिफरेंट If he has gone on business promotion development program, yes, तो क्या बन जाएगा वो? ROR, done, छोड़े। एक कंसल्टेंसी का सम है P11, थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। P14 पे आना। मिस्टर राम एंड इंडियन सिटीजन, इंडियन सिटीजन लेफ्ट इंडिया ऑन 22/9/21 फॉर द फर्स्ट टाइम टू वर्क एज एन ऑफिसर ऑफ ए कंपनी इन जर्मनी। वो जर्मनी में उनको जॉब मिला, वो चले गए 22 सितंबर 2021 को। अभी एक ही पैटर्न के क्वेश्चन मिलेगा, टॉपिक ही आज ऐसा ही है। तो बेटा वही, फिर अप्रैल से सितंबर तक इंडिया पे है वो, तो अप्रैल देखो कैलकुलेटर में 20 30 175 डेज, तो 175 डेज है। तो बेटा इंडियन सिटीजन लीव्स इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, इंडियन सिटीजन इंडिया से बाहर एम्प्लॉयमेंट के सिलसिले में जा रहा है, तो एक ही कंडीशन है उनके लिए, 182 डेज। वो तो है ही नहीं, इज वॉट नॉन रेसिडेंट। डन बेटा, आइए अंडर सेक्स ऐसे भी आंसर लिख सकते हो। अंडर सेक्शन वन इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेसिडेंट इफ ही सेटिस्फाई एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, ही हैज बीन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर, फोर प्रिसीडिंग प्रीवियस ईयर में 365 डेज और मोर, एंड एटलीस्ट 60 डेज प्रीवियस ईयर। इन केस ऑफ इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, ये मेन पॉइंट, द पीरियड ऑफ स्टे ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर मस्ट बी 182 डेज इंस्टेड ऑफ 60 डेज गिवेन इन टू एवो। ये है मेन, इस क्वेश्चन का मेन की पॉइंट जो आपको हिट करना था।
ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर राम सिटीजन वॉज प्रेजेंट इंडिया फॉर 175 एंड लेफ्ट इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पज सिंस ही इज नॉट सेटिस्फाइंग मिनिमम क्राइटेरिया ऑफ 182 डेज ही इज अ नॉन रेसिडेंट. डन बेटा, अभी अभी किए थे. आगे बाबू पियूष बाबू डन. ऐसे ही आप लोगों को कुछ लिखना है. ट्वेंटी हो गया, ट्वेंटी कर लिया था ना, 21. मिस्टर प्रेम अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ ए कंपनी हैड अंडरटेकन फॉरेन टूर ऑन वेरियस ओकेजन्स फॉर कंपनीज वर्क. चीफ एग्जीक्यूटिव है, इंडिया में काम कर रहे हैं, फॉरेन उनको बहुत विजिट करना पड़ा ऑफिशियल पर्पस से एंड वॉज आउट ऑफ इंडिया फॉर 225 डेज. तो बेटा एक साल में 365 डेज होता है, ये इंसान 225 डेज तो बाहर ही थे. 140 डेज इंडिया में थे ना बेटा. अब देखिए, ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर ही सबमिट्स हिज रिटर्न ऑफ इनकम एज नॉन रेसिडेंट. ओहो, उन्होंने यहां पे केस स्टडी आ गया. ये क्वेश्चन क्लाइंट ने नॉन रेसिडेंट कहा अपने आप को और वो रिटर्न ऑफ इनकम भी सबमिट कर रहा है नॉन रेसिडेंट के हिसाब से. आप टैक्स कंसल्टेंट है, आपको बताना है क्या वो सही है ना गलत है. तो आप देखोगे भाई 182 डेज का एक कंडीशन था वो तो है नहीं, और 60 और 365 डेज का था. तो 60-365 डेज में तो वो हिट हो जा रहे हैं क्योंकि 140 डेज है, पहले होलसेल में थे. अब ये देखना है कि 60 और 365 डेज इनके लिए लगेगा ना, इनको बेनिफिट देंगे हम लोग, अब ये बताना है. तो क्या है भाई, इनको 60 डेज वाला देखना है ना नहीं देखना है? देखना है, बिकॉज ही हैज टेकन फॉरेन टूर इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया. इनका नौकरी आकाश ही है, आकाश का नौकरी दिल्ली में है, दिल्ली में काम कर रहे, ऑफिशियल पर्पस के लिए विदेश भ्रमण किए और इंडिया में 140 डेज थे. बट योर एम्प्लॉयमेंट वॉज नॉट आउटसाइड इंडिया, योर एम्प्लॉयमेंट वॉज इन इंडिया. इन कनेक्शन विथ योर एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया यू हैव लेफ्ट इंडिया. तो इस केस में आपको वो 60 डेज वाला फायदा नहीं, 60 डेज वाला फायदा तो उन्हें दिया जाएगा, मतलब वही 60 डेज एक्सेप्शन वाला जो इंडिया से बाहर कमाई उमाई करने जा रहे हैं उनके लिए. तो बेटा क्या होगा, ये आरओआर बन जाएंगे? बोलो बेटा, बोलो, बन जाएंगे. ऐसा केस स्टडीज सीए फाइनल तक आता है. आइए पहला बार केस स्टडी देखेंगे टैक्स में. एन इंडिविजुअल बिकम्स रेसिडेंट ऑफ इंडिया इफ ही सेटिस्फाइज एनी वन ऑफ द कंडीशन 61 प्रेजेंट इंडिया फॉर 182 डेज और मोर और 60 डेज ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 365-4 PPY. Second condition of 61 is not applicable Indian citizen living India for the purpose of employment outside India. In above case, second condition is also applicable because he has not left India for the purpose of employment outside India. Isko underline karna. He was out of India for 225 days in relation to employment in India. In above case, Mr. Prem was present 140 days during previous year and present 365 or more in 4 PPY. So he is satisfying second condition of 61. He is resident for 22-23. He is satisfying both the condition of 66 becomes ROR. So Mr. Prem is not justified. Ye pucha hai paper set ne justify kiya hai ki nahi. So Prem is not justified by submitting his return of income. Then, तो जल्दी जल्दी पढ़ लिए, धीरे धीरे पढ़े क्या, आपके दिमाग में तो था ही. इसने मैंने आंसर लिखा है ना कि ये चीज को बार बार लिखाते जाएंगे तो क्लास टनते जाएगा, तो कुछ लिखाना जरूरी था और कुछ राइटिंग पे. जब मेरे को लगा कि आप लोग का दिमाग खुल गया तो राइटिंग वाला आंसर दिखा रहे. अब सब लिखते लिखते जाएंगे ना बहुत टाइम लगेगा. धीरे धीरे पढ़े ना, हो जाएगा. ओके, लिखने का तरीका एज इट इज मत छापना,
6166 ध्यान रखना, एक्सेप्शन ध्यान रखना, अपना इंग्लिश अपना ही लिखावट ऊपर नीचे कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं, बस बात समझाना अच्छी तरह से। आइए अब अगर आप लोग समझ गए तो P24 का आंसर मेरे को दीजिए। आज तो दिशा बड़ा तेज है, सब कोई क्वेश्चन पढ़े वो आंसर हो गया बोल रही है। तुम लोग भी तेज है क्या? ओ सारे तेज है, ये लास्ट क्लास का घेवर का इफेक्ट है क्या? यस तब तो हमेशा कुछ कुछ संडे को खिलाते रहना पड़ेगा। हाँ अब संडे अब 20 वाला पार्टी को संडे पार्टी बना रहे। यस पीयूष, अर्जुन वर्क्स, पीयूष आंसर बताएगा। आंसर क्या है इसका? आर एन ओ आर है, आर एन ओ आर बोल रहे क्या? नारोआर, गुड़िया लोग आर एन ओ आर, भाई आर एन ओ आर, तुम्हें तो पता ही नहीं चला। अर्जुन हु वर्क्स एज अ फाइनेंस कंट्रोलर ऑफ ABC लिमिटेड मुंबई हैड अंडरटेकन फॉरेन टूर work related several times 21-22, the total number of days he stayed outside India is 300, to India mein pura exact 65 days, he claims that he is non-resident, is claim valid if he stay in India during each of 100 days, theek hai, to beta resident to ho gayi hu, jaise upar answer likhe the waise hi resident hoga, all well डन बेटा। CS भाई, CMA सिस्टर, CMA भाई लोग डन, ही इज रेसिडेंट, कोई डाउट किसी को? अब वो 66 में आएंगे, जब 100 डेज ही रहता है इंडिया में तो पिछले 7 साल में 700 डेज हो गए, एक सम करवाए थे ना बेटा क्रिस गेल वाला सम, तो ई कैन नॉट सेटिस्फाई द बोथ द कंडीशन ऑफ 66, तो क्या बन जाएगा? लिख के छोड़ दो RNOR। डन बेटा, अब एक बात बताओ, आज जो हम लोग पढ़ाई किए फर्स्ट पार्ट अब खत्म होने जा रहा है, 61 का सेकंड कंडीशन 63-65 डेज दो सिचुएशन पे नहीं लगेगा, दो सिचुएशन पे नहीं लगेगा, क्या क्या वो दो सिचुएशंस है? सिटीजन ऑफ इंडिया लीव्स इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर प्लस एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया और क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप। इस केस में ऑनली 182 डेज है तो रेसिडेंट, और नहीं है तो नॉन रेसिडेंट, 60 डेज नहीं देखना। और दूसरा था सिटीजन ऑफ इंडिया ऑब्लिक पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन पे थोड़ा काम करना भी अपने को, दैट इज भारती के भैया कम्स टू इंडिया ऑन विजिट, उस केस में भी हम लोग 60 डेज नहीं देखेंगे। तो एम्प्लॉयमेंट तो कर लिए, क्रू मेंबर के लिए भी आने वाला है टॉपिक। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब होता है कि आइदर मिस्टर एक्स का जन्म इंडिया पे हुआ या मिस्टर एक्स के मम्मी पापा किसी का भी जन्म अनडिवाइडेड इंडिया पे हुआ, या दादा दादी जी का जन्म किसी का भी अनडिवाइडेड इंडिया पे हुआ, तो मिस्टर एक्स संसार में कहीं ना क्यों ना जन्मा हो, ही इज कॉल्ड पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ही मे नॉट बी सिटीजन ऑफ इंडिया बट इज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। आप अमेरिका में जाके रह जाओ, सेटल हो जाओ, वहां का सिटीजनशिप अगर देश दे दिया तो आप इंडिया का सिटीजन आप नहीं भी हो सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यू आर अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। डन बेटा,
सिटीजनशिप को लेकर हम लोग को कुछ पढ़ाई नहीं है, बस लिख दिया गया सिटीजन है तो सिटीजन है। पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन पे थोड़ा सा केस स्टडीज देख सकते हैं हम लोग, तो अभी एक दो क्वेश्चन लेंगे पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन पे, फिर उसके बाद क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप के लिए बहुत अच्छा वाला एक प्रोविजन है, बहुत अच्छा, डेज काउंटिंग करने को लेके प्रॉब्लम होता है तो 4 साल 4-5 साल पहले क्लेरिफिकेशन आया कि उनका डेज ऐसे काउंट करना, वो पढ़ेंगे, आज उतना ही पढ़ाना है। और उसके बाद 2 पॉइंट बचा जो लास्ट ईयर अमेंडमेंट होके आया था, और इंडिविजुअल खत्म, और यहाँ से पक्का क्वेश्चन आते हैं। हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे आज आगे चलकर, आज ही क्वेश्चन देखेंगे इस बार का पेपर। तो बेटा अभी हम लोग P21 हो गया था ना, 22, एकदम ठंडा दिमाग से सोच के बताना, P22, 23, एकदम कूल माइंड से सोच के आंसर बोलना। ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री सर, अंदर क्या सोचती तू? ओ सर, अंदर कुछ कंफ्यूजन पे, नहीं 400 डेज को लेके कुछ पूछ रही थी ना। क्या जवाब है, क्या जवाब है? पहले प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 22, ये ठीक है ना साल? अरे हमारा प्रीवियस ईयर 30 मार्च कहाँ से हो गया? पहले तो प्रीवियस ईयर भारती, ए भारती, अरे मार्च तक ही 31 मार्च राइट है ना? अब हम लोग गिनती करेंगे ना कि कितना दिन भारत में था, 3 अक्टूबर से है ना, अक्टूबर में कितना दिन, डेज को लेके झगड़ा तो नहीं है? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, लोट भारती को बोलने दो, सी वॉज फाइटिंग विथ मी फॉर 30 डेज, 179 डेज। और 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में कितना दिन था बेटा? 400 डेज। डन। अब अपना जजमेंट बताइए, इंडिया का फ्यूचर टैक्स कंसल्टेंट जी, नॉन रेसिडेंट राइट है? आइए, बॉर्न इन पटना फ्रांस में रह रहा है तो वही हो गया पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, कम्स टू इंडिया ऑन विजिट, है ना बेटा? सो फर्स्ट कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड, जैसे भी नोट लिखाया था ना, एंड सेकंड कंडीशन इज नॉट एप्लीकेबल बिकॉज इज अ पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन कम्स टू इंडिया ऑन विजिट, तो इज नॉन रेसिडेंट बेटा। आंसर भी लिखो, आप लोग खुद ही लिखो, जैसे अभी आंसर लिखाया था ना थोड़ा देर पहले, इतना दिन था,
फर्स्ट कंडीशन नहीं लगेगा, सेटिस्फाई नहीं किया, सेकेंड इसलिए नहीं लगेगा बिकॉज पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन कम्स टू इंडिया नॉन रेजिडेंट। तो आप लोग भी लिखो बेटा, क्योंकि नेक्स्ट वीक जब संडे आएगा, नेक्स्ट जो संडे आने वाला है उसमें तो टैक्सेशन का ही टेस्ट होगा ना, टैक्सेशन का ही टेस्ट होगा, तो आप लोगों को तो लिखना पड़ेगा। हाँ यस यस सर, आप तो एकदम धो देंगे ना हम लोग को, हाँ धो देंगे एकदम, धो धो के एकदम क्लीन कर देंगे उसके बाद भेजेंगे। क्यों आकाश इतना खुश क्यों? अरे कुछ किसी तो कोई तो रीजन होगा। ओके बिन मौसम का ही खुश रहता है, ठीक है। ट्वेंटी टू तो राइट कर लिया आप लोग, वेरी गुड, अच्छा लगा। 23 भी लिखना है आप लोगों को। फिर क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप को लेकर छोटा सा डिस्कशन है, अगर वो भी हम लोग खत्म कर लेते आज अच्छी तरह से तो और नया जो अमेंडमेंट था उस पर भी डिस्कशन कर लेंगे, फिर इंडिविजुअली खत्म हो जाएगा आज। ट्वेंटी टू लिखकर 23 भी करना है।
22 तो कर लिए थे अपने, 23 का क्या विचार है? एल वॉज बॉर्न इन जापान इन 1969, हिज फादर वॉज बॉर्न इन कैनेडा। वाओ आकाश, जापान कैनेडा, लेकिन दादाजी ग्रैंडफादर वॉज बॉर्न इन पुणे इन 1918। तो बेटा मिस्टर एल इज अ पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन बिकॉज ग्रैंडफादर वॉज बॉर्न इन इंडिया। डन। अब क्या किया, विजिट पे आया 180 डेज के लिए, ही वॉज इंडिया फॉर 370 डेज। तो बेटा 6-1 का सेकेंड कंडीशन तो देखने ही नहीं है, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया, तो क्या बन जाएगा बेटा? ठीक है, आंसर कैसे लिखा है मैं सुनना चाहेंगे, नॉन रेसिडेंट है, चलो ये कैसे लिखिए बेटी, आंसर सुनना चाहेंगे। स्टार्टिंग बोल रही है ठीक है, चलो इन्होंने पहले इंडियन ऑरिजिन का लिख दिया, इन्होंने लिखा कि एल्स ग्रैंडफादर वाज बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, सो एल इज अ पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, इतना लिखने से भी हो जाता है। डन बेटा, उसके बाद फिर इन्होंने लिखा, आपने क्या लिखा बेटा, आप तो बात कर रहे थे मेरे से। चलो बेटा, जिसने भी जैसे लिखा राइट ही होगा, ऐसे लिख लेना चाहिए कि ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर एल वाज प्रेजेंट इन इंडिया, एक ही पैटर्न को फॉलो करो, याद रहता है, मतलब कुछ भी लिख लो राइट है, पहले तो बोल दिया कुछ भी लिखो राइट है, हर एक स्टेप का मार्क्स है। ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 21-22 एल वाज प्रेजेंट इन इंडिया फॉर 180 डेज, he is not satisfying first condition of 6-1 because he was not present in India for 182 days. Second condition of 6-1 is not applicable because he is a person of Indian origin. His grandfather was born in undivided India. So he is non-resident. सक जाएंगे बेटा? ना लिखा दो? सक जाएंगे? पक्का? Mr. L is a person of Indian origin, comes to India on visit, so second condition of 6-1 not applicable. He is a non-resident. He is non-resident. Done, beta, chode. Ab kaise bhi likh do, marks milega. Dukhi nahi hona. Dukhi nahi hona. Section wrong nahi likhna. Step marking hota hai, beta. Ek ek aapke achhe achhe points pe marks diya jayega. Aiye. Chalo, beta, aage bade. CMA sisters likha aap logon ne. सीएमए भाई लोग लिख लिया, सीएस का तो ऑब्जेक्टिव ही है, उतना राइटिंग स्किल नहीं चाहिए, बट थोड़ा सा लिख के रखिएगा समझने के लिए। आइए बेटा आगे बढ़ते, थोड़ा सा क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप को लेकर थोड़ा सा चक्कर है बेटा। क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप के लिए क्या सिस्टम था? क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप के लिए क्या सिस्टम था? क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप के लिए कोई सिस्टम नहीं बता रहा है, 182 डेज वाला ही तो है ना। क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप के लिए 182 डेज का ही चक्कर है। पेज नंबर 37 पे आना। अनुपम कोई मिस हो गया क्या? क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप के लिए 182 डेज रहेगा तो रेसिडेंट, अदरवाइज क्या बन जाएंगे? नॉन रेसिडेंट। 60 डेज और 365 डेज, देखना है ना नहीं देखना है? नहीं देखना है। बट इनका ये डेज कैलकुलेशन करने को लेकर बड़ा प्रॉब्लम है जो रियल लाइफ पे फेस करते थे टैक्स में।
तो 4-5 साल पहले इनकम टैक्स में क्लेरिफिकेशन आ गया कि भाई क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप में इस तारीख से लेकर इस तारीख तक इंडिया से बाहर माना जाएगा। जिस डे इस एक डेट होता है जिस दिन उन लोग ज्वाइनिंग करता है शिप बाहर जाने के लिए, और फिर एक डेट होता है जब शिप इंडिया में आ जाता है फिर साइन ऑफ कर देता है निकलने के लिए। तो साइनिंग से लेकर साइन ऑफ का पीरियड पे मान लिया जाएगा वो इंडिया से बाहर है, मान लिया जाएगा वो इंडिया से बाहर है, नया कुछ नहीं है। वो किस दिन इंडिया पे है, शिप गया कब, समुद्र से बाहर निकल गया, इंडिया के बाउंड्री से बाहर थे, 12 नॉटिकल माइल्स था ना बेटा एक, तो कब निकल गया, तो जैसे निकल गया वो मान लिया जाएगा इंडिया के बाहर। तो कौन सा तारीख को इंडिया से बाहर निकला फिर शिप आएगा फिर टेरिटोरियल वाटर इंडिया में घुसेगा, तो किस दिन मान लिया जाएगा वो इंडिया पे आ गया, उसको लेकर कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं था। जैसे हम लोग नॉर्मल ऑर्डिनरी कैलकुलेशन करते हैं वैसे ही था। 1961 से लेकर अभी 3-4 साल पहले क्लेरिफिकेशन आ गया कि क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप के लिए जब पीरियड काउंट करोगे मान लेना कि ये पीरियड इंडिया से बाहर है, ये पीरियड इंडिया से बाहर है, बस कुछ नहीं है, प्रोविजन वही है। डेज कैलकुलेशन के लिए पीरियड टू बी एक्सक्लूडेड मान लिया जाएगा ये इंडिया से बाहर है। डेट इंटर इन टू कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इंस्पेक्ट ऑफ ज्वाइनिंग द शिप, जिस दिन शिप ज्वाइन किया उस समय का डेट, और कब तक बाहर है, डेट इंटर इन टू कंटिन्यू डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इंस्पेक्ट ऑफ साइनिंग ऑफ ज्वाइनिंग द शिप से लेकर साइनिंग ऑफ का डेट, जिस दिन साइन ऑफ किया साइन ऑफ का डेट तक बाहर है, साइन ऑफ का डेट तक बाहर है। यह है टेक्निकल लैंग्वेज जो लॉ ने इनकम टैक्स ने इनकॉर्पोरेट कर लिया। डन बेटा, बस इसी को समझना है कि इंडिया से बाहर है। आइए, अकॉर्डिंग टू रूल 126 फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 6(1) इन केस ऑफ इंडिविजुअल बींग सिटीजन ऑफ इंडिया और मेंबर ऑफ एंड मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप द पीरियड और पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया शैल इंस्पेक्ट ऑफ एलिजिबल वॉयज नॉट इंक्लूड। मान लिया जाएगा कि आप इंडियन शिप में जब काम क्रू मेंबर इंडियन शिप बाहर जा रहे हो तो नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग पीरियड, पीरियड कॉमेंसिंग फ्रॉम डेट इंटर इन टू कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इंस्पेक्ट ऑफ ज्वाइनिंग द शिप बाई सेट इंडिविजुअल फॉर एलिजिबल वॉयज, जिस दिन वो एक कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट ज्वाइनिंग शिप में होता है साइनिंग करना होता है उस दिन से लेकर और जब शिप छोड़ेगा उस दिन साइन ऑफ का डेट रहता है, तो साइनिंग के डेट से ही मान लिया जाएगा वो इंडिया से बाहर है। और कब तक इंडिया से बाहर है, साइनिंग ऑफ द डेट इंटर इन टू कंटिन्यू डिस्चार्ज सर्टिफिकेट रिस्पेक्ट ऑफ साइनिंग ऑफ बाय दैट इंडिविजुअल फ्रॉम द शिप। तो साइनिंग के डेट, ज्वाइनिंग के डेट से साइन ऑफ का डेट तक मान लिया जाएगा वो इंडिया से बाहर है, बस इसी पीरियड को। और ये पूरा का पूरा पेपर में लिखा रहेगा, और इनके लिए हम लोग कितना पीरियड कितना डेज देखेंगे, 182 डेज। चेंज नहीं है, सिर्फ नंबर ऑफ डेज का कैलकुलेशन आज तक क्लियर नहीं था, 4-5 साल पहले क्लियर किया इनकम टैक्स ने। तुम अगर आकाश कोई क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप बाहर जा रहा है तो जिस दिन वो शिप ज्वाइन करेगा ज्वाइनिंग के डेट बाहर जाने के लिए उस दिन ही मान लिया जाएगा वो इंडिया से बाहर है, वो दिन भी इंडिया से बाहर है। और फिर कब तक बाहर है, जब जिस दिन साइन ऑफ करेगा साइन ऑफ का डेट भी बाहर है, इतना पीरियड को बाहर मान लेगा बाकी का पीरियड को इंडिया में मानेंगे, बस इतने ही, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब इस पे हमने दो क्वेश्चन डाला है, एग्जाम पे आया है, 28 भी एग्जाम पे आया, 27 को पढ़ के हम समझाएंगे और 28 आप खुद पढ़ेंगे। दो में से एक सम को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, अभी नहीं डिसाइड करना है, आइदर 27 और 28 दोनों में से एक सम को हम लोग एग्जाम के लिए रखेंगे, पढ़ते हैं सही। आइए, आनंद इज एन इंडियन सिटीजन एंड मेंबर ऑफ क्रू ऑफ अ सिंगापुर बाउंड इंडियन शिप एंगेज इन कैरिंग ऑन पैसेंजर इंटरनेशनल ट्रैफिक डिपार्टिंग फ्रॉम चेन्नई ऑन 6 जून, तो डेफिनेटली वो ज्वाइनिंग भी तो 6 जून को ही करेगा। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर प्रीवियस ईयर 21-22 डिटरमाइन रेसिडेंट स्टेटस ऑफ आनंद एज्यूमिंग दैट
लास्ट 4 ईयर्स में 400 डेज था एंड लास्ट 7 प्रीवियस ईयर में 750 डेज थे. डन बेटा. अब मेन पॉइंट, डेट इंटर्ड इनटू कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट. डेट इंटर्ड इनटू मतलब उस दिन साइन किया, ज्वाइन किया. इन रेस्पेक्ट ऑफ ज्वाइनिंग द शिप, तो इस डेट 6 जून से इंडिया से बाहर है. सेम है भाई, समझ में आ रहा है? ओके. डेट इंटर इनटू कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन रेस्पेक्ट ऑफ साइनिंग ऑफ शिप, उस दिन साइन ऑफ कर रहा है, मतलब आ गया. बस ईच 6 से 9 तक इंडिया से बाहर मान लिया जाएगा. डन बेटा. तो हम लोग कैलकुलेशन 2 टाइप से कर सकते हैं, अप्रैल से लेकर 5 जून तक. डन बेटा. एक कैलकुलेशन अप्रैल से 5 जून तक और फिर 10 तारीख से लेकर 31 मार्च, या इस पीरियड को निकाल के माइनस कर दो, एक ही बात है. अच्छा से देखना है बेटा. डेज आउटसाइड इंडिया मान लिया जा रहा है ना बाबू, ठीक है ना? जून 6 तारीख से कितना दिन का? 30. आउटसाइड इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. जून में, जुलाई, अगस्त, सेप्टेंबर, दिसंबर 9 तक आउटसाइड इंडिया. तो ये कितना आउटसाइड इंडिया हो गया? 187 डेज. तो 365 से 187 माइनस करके 178 डेज. ये एकदम स्पेशल, वेरी स्पेशल कैलकुलेशन सिर्फ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप को लेकर. और ये टर्म भी याद नहीं करना है, पेपर में दिया रहेगा, क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा ना, तो सब कुछ दिया ही रहेगा. ये इतना बड़ा टर्म भी याद नहीं करना है. तो उसका प्रेजेंस इंडिया में 178 डेज हो गया. फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई किया ही नहीं, और सेकंड कंडीशन तो नहीं चाहिए, इज नॉन रेसिडेंट. डन बेटा. अब धीरे धीरे से आंसर पढ़ लीजिए आप लोग, एज इट इज लिखना नहीं है. इसके बाद क्वेश्चन 2 आप लोगों को खुद ही सोचना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद स्लोली आंसर रीड कर लीजिए, एकदम धीरे धीरे, हड़बड़ाना नहीं कि आंसर आता हम नहीं पढ़ेंगे. सोचना कि टैक्स का लिखावट सीख रहे हैं, टैक्स में कैसा लिखना होता है, उसके धीरे धीरे पढ़ना. आंसर के हिसाब से तो आंसर आते ही है, बट स्किल डेवलपमेंट के हिसाब से आंसर रीड करो. किशन बोलो, आंसर रीड ही नहीं कर रहा किशन, बोर्ड से कर रहा है, कॉपी से करो, अपने को अपने बुक से करो. ये जो नोट लिखा है वो नोट से तो कोई मतलब ही नहीं है, इसको काट सकते भी हैं. भाई इसको काटना अच्छा लगता है, जैसे काटने वाले जाके काट दिया. पहले पढ़ बेटी पढ़ो, और उसके बाद 28 तो आप लोगों को खुद ट्राई करना पड़ेगा.
इतना हलचल क्यों हो रहा है? कैलकुलेशन रॉन्ग है क्या? यस, कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या? वो 12 अगस्त से 21 जनवरी 22 इंडिया के बाहर माना जाएगा। तो कितना डेज हो गया? 12 अगस्त से 22 जनवरी 163 डेज तो इंडिया में है ही नहीं। डन। और छुट्टी मनाने भी कहीं गया था ना, 29 डेज। कितना हो गया? 1। तो इंडिया में कितना दिन प्रेजेंट है? 173 डेज इंडिया पे है ना। अरे बेटा 163 डेज कैलकुलेट करना आया भारती रानी? पक्का? इतना हलचल क्यों हो रहा था मुस्कान भारती में? ओके, ये देखा नहीं? इट्स राम, तू तो अपना अपना क्लाइंट को बर्बाद कर देगा। तू लोग तो क्लाइंट का आधा इंफॉर्मेशन से ही तुम उनका कंसल्टेंसी वगैरह करने लगोगे तो गया। अब बोलेगे सॉरी सर हमने देखा नहीं, जिंदगी भर के लिए दुकान बंद हो जाएंगी तुम्हारी, सब अर्चिता दिशा के पास आ जाएंगे। छोड़े बेटा, तो ये दो सम है, एग्जाम के समय एक एक सम बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, इसलिए दो में से एक ही सम को एग्जाम के लिए रखना है। तो नीचे वाला सम ठीक रहेगा ना, थोड़ा सा अच्छा है ना, तो सेकेंड सम को रख दो, फर्स्ट सम को अपने कैलकुलेशन से हमेशा के लिए हटा दो। एक एक सम मैटर करता है, एग्जाम के समय रिवीजन में टाइम ही नहीं मिलता। छोड़े इसको, बोलो। ओके, अब एक अच्छा सा कंसल्टेंसी का क्वेश्चन है, इधर दिमाग लगा के जवाब देना। टैक्स बहुत इंटरेस्टिंग है, रियल लाइफ में ऐसे सिचुएशन डील करना पड़ेगा आपको। ये आ गया या P11। X being an Indian citizen got a job offer in Australia. ऑस्ट्रेलिया में नौकरी का ऑफर आया। ही wants to stay in India. भारत माता से प्यार है, इंडिया में रहना चाहता है। As long as possible without resident in India. पर इंडिया में रेसिडेंट भी नहीं बनना है, पैसा से भी प्यार है, दोनों से प्यार है। एडवाइस व्हाट व्हेन कैन ही डिपार्ट फॉर ऑस्ट्रेलिया। तो बेटा भाई डेट बताओ पंडित जी, जैसे पंडित से हम नहीं पूछते पंडित जी डेट बताइए, वैसे टैक्स के पंडित जी आप लोग तारीख बताइए, फ्लाइट का टिकट बुक करो। सोच समझ के बोलो भाई, ये पंडित जी तो ऐसे बोल देते, बड़े फास्ट है। 181 वही करना है, रुको भाई, सबका साथ सबका विकास। उन्हें इंडिया में 181 डेज रखना है ना, देखो तो अप्रैल से जोड़ते चलो। तो कितना तारीख को बोल दो उड़ जा। हाँ उड़ेगा ना ऑस्ट्रेलिया के लिए, रोड से तो नहीं जाएगा ना। September 28। भाई लोग तो पहले दे दिया, गुड़िया लोग अभी दे ही नहीं रहे आंसर। क्या अप्रैल में कितना दिन हो जाएगा? 30। अप्रैल में 30, मई में बेटा 31, जून पे 30, जुलाई पे, अगस्त पे कितना दिन हो गया भाई? 181 डेज ही तो रखने देना है ना। तो सितंबर ठीक है, ऐसे लिख लेना।
ईस वुड डिपार्ट फॉर ऑस्ट्रेलिया ऑन 28 सितंबर, मैट पे लिख लो, ईस वुड डिपार्ट फॉर ऑस्ट्रेलिया ऑन 28 सितंबर, सो डेट हिज टोटल स्टे इन इंडिया विल बी, सो डेट हिज टोटल स्टे इन इंडिया विल बी, व्हाट बेटा, 181 डेज, ब्रैकेट में April 30, May 31, June 30, July 31, August 31. He will be non-resident in India. Done? हो गया? तो बेटा ये दो अच्छे अच्छे आज पॉइंट पढ़े. फर्स्ट पॉइंट क्या पढ़े थे बेटा? 6-1 का जो सेकंड कंडीशन है, 160 और 365 का बहुत डेंजर है आप लोगों के लिए, बिकॉज आप लोग, हम लोग इंडियन सिटीजन है, हु लीव्स इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर फॉर पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया या क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, और दूसरा था इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन कम्स टू इंडिया ऑन विजिट, 60 डेज नहीं देखेंगे, ओनली क्या क्या देखेंगे, 182 डेज है तो आप लोग इंडिया में रेसिडेंट हो, नहीं है तो नॉन रेसिडेंट. नॉन रेसिडेंट होना टैक्स पर्पस के लिए बहुत फायदेमंद है, इंसिडेंस ऑफ टैक्स जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे कुछ ही दिनों में. फिर उसके बाद बताए थे बेटा आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया क्या होता है. एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया वो जॉब या बिजनेस प्रोफेशन इंडिया से बाहर हो. तो यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या आ जाता है लोगों में, इन कनेक्शन विथ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, अगर समवन हैज लेफ्ट आउटसाइड इंडिया, मतलब इंडिया चला गया है से बाहर, इंडिया से बाहर, तो एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया नहीं बोलते, एम्प्लॉयमेंट इंडिया से बाहर होना पड़ेगा. और एक पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन पढ़े थे, पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन में क्या था, मिस्टर एक्स या मम्मी पापा या दादा दादी, किसी का भी जन्म इंडिया पे होगा तो हम लोग क्या बन जाएंगे, पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, वो 60 डेज वाला नहीं देखेंगे. और एक अच्छा पॉइंट पढ़े, ये क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप है तो 182 डेज, वो पीरियड को लेकर प्रॉब्लम है. सिंपल है, ज्वाइनिंग से लेकर साइन ऑफ का डेट तक का पीरियड को मान लिया जाएगा इंडिया से बाहर है, और बाकी का तो इंडिया पे ही है, और 182 डेज इतने ही पड़े बेटा. इंडिविजुअल में बस दो छोटा सा पॉइंट बाकी रह गया, जो लास्ट ईयर का अमेंडमेंट था, लास्ट एक दो साल पहले का, जिसको हम लोग कल पढ़ेंगे. तो आज का क्लास यहीं पर ओवर कर रहे हैं, कोई होमवर्क नहीं, जो पढ़ा है उसको रिवाइज करते रहना, धीरे धीरे टैक्स के रंग में रंग लो. अभी तक रंगा नहीं है ना टैक्स के रंग में, चलो बेटा छोड़ते हैं.